राम राम। आज सुनेंगे भक्त प्रहलाद की संपूर्ण कहानी, उसका जीवन परिचय, जन्म, कथा, यातनाएं, राज्य अभिषेक और अंतिम समय। सभी भक्तों को प्रहलाद की ये कहानी जरूर सुननी चाहिए और श्री गोपाल सेवा समिति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि अपडेट आप तक मिल सके। तो आज भक्त प्रहलाद की कहानी आप सुनने जा रहे हैं, क्योंकि भक्त प्रहलाद श्री हरि विष्णु के सबसे बड़े भक्त थे। भक्त प्रहलाद का जन्म, जब प्रहलाद अपनी माँ कयादु के पेट में था तब उसके चाचा हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु के वराह अवतार ने वध कर दिया था। इससे कुंठित होकर उसके पिता हिरण्याकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने चले गए। इसके बाद दैत्य नगरी में हिरण्याकश्यप को ना पाकर देवताओं ने वहां पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने दैत्य नगरी पर अधिकार कर लिया और कयादु को बंदी बना लिया। इंद्रदेव कयादु को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगे कि नारद मुनि ने उन्हें रोक दिया। नारद मुनि ने इंद्र से कहा कि तुम एक गर्भवती स्त्री पर अत्याचार नहीं कर सकते, वह भी तब जब उसके गर्भ में भगवान विष्णु का भक्त पल रहा हो। इसके पश्चात नारद मुनि कयादु को इंद्र के चुंगल से तो छुड़ा लिया और अपने आश्रम में ले गए। हिरण्याकश्यप की तपस्या पूर्ण होने तक अपने आश्रम में रखा। इस दौरान नारद मुनि कयादु को हरि भजन सुनाते और भगवान विष्णु की कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते थे। अब नारद मुनि के इन वचनों का सकारात्मक प्रभाव कयादु के गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे प्रहलाद पर पड़ रहा था। यही कारण था कि जब उसका जन्म हुआ तब वह विष्णु भक्त बना, श्री हरि विष्णु का भक्त बना। और उससे पहले उसके चार बड़े भाई भी थे जिनका जन्म दैत्य नगरी में ही हुआ था, किंतु उनमें से केवल प्रहलाद ही श्री हरि विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहता था। इसी बीच हिरण्याकश्यप की एंट्री होती है, क्योंकि हिरण्याकश्यप की तपस्या पूर्ण हो चुकी और भगवान ब्रह्मा से उसने तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली होने का वरदान भी प्राप्त किया। उसके बाद अपनी दैत्य नगरी वापस दोबारा आ गया और वहां देवताओं का अधिकार हुए देखा। इसके बाद उसने अपने मिले वरदान से न केवल दैत्य नगरी को वापस प्राप्त किया, तीनों लोकों पर अधिकार स्थापित भी कर लिया और इंद्रदेव को स्वर्ग के आसन से अपदस्थ कर दिया, स्वर्ग से इंद्रदेव को भगा दिया गया। हिरण्याकश्यप की तपस्या समाप्त हो जाने और पुनः अपनी नगरी लौट आने की सूचना मिलने के पश्चात कयादु और भक्त प्रहलाद भी नारद मुनि से आशीर्वाद लेकर पुनः अपनी नगरी अपने राज्य में लौट जाते हैं। हिरण्याकश्यप भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के फलस्वरूप अति शक्तिशाली हो चुका था, उसका बल बहुत बढ़ चुका था। इसी अहंकार में उसने श्री हरि विष्णु को भगवान मानने से मना कर दिया और स्वयं को भगवान की उपाधि देने लगा। तीनों लोकों में जो कोई भी विष्णु की पूजा करता वह उसे मरवा डालता, किंतु जब उसने अपने स्वयं के पुत्र को ही श्री हरि विष्णु की भक्ति में लीन देखा तो वो क्रोध की अग्नि में जलने लगा और उसने अपने 5 वर्ष के छोटे से पुत्र प्रहलाद को मारने की कई बार चेष्टा की, लेकिन हर प्रयास असफल हुआ। उसके
उसने प्रहलाद को पागल हाथियों के सामने फेंकवा दिया, उनके पैरों के नीचे कुचल के मारा जाए, सांपों से भरे कुएं में फेंकवा दिया, ऊपर पर्वत की चोटी से नीचे खाई में फेंकवा दिया, बेड़ियां बांधकर समुद्र में फेंकवा दिया, अस्त्र शस्त्र से मरवाने की कोशिश की और अपनी बहन होलिका द्वारा अग्नि में जलवाने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करने स्वयं भगवान विष्णु आते थे। ये थी प्रहलाद की भक्ति। एक दिन जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद के ऊपर अत्याचार कर रहा था, तब भगवान विष्णु का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। उस समय उन्होंने अत्यंत भयानक रूप लिया जो नरसिंह अवतार कहलाया। इस अवतार को धारण कर उन्होंने प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। इसके पश्चात भगवान नरसिंह के क्रोध को भक्त प्रहलाद ने शांत कराया और भगवान नरसिंह ने भी अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद को बहुत स्नेह दिया, प्रेम दिया और अपने पिता के राज सिंहासन पर उसको स्थान दिया। प्रहलाद की विष्णु भक्ति से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने उसे तीनों लोकों का राज प्रदान किया। इसके पश्चात भगवान नरसिंह पुनः श्री हरि विष्णु भगवान में लीन हो गए। अब हिरण्यकश्यप की मृत्यु के पश्चात प्रहलाद का जीवन देखिए कैसा रहा। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात प्रहलाद तीनों लोकों का राजा बन गया। दैत्य कुल से होते हुए भी उसने अहिंसा धर्म का मार्ग अपनाया और सभी की रक्षा की। उसके राज्य में सभी प्रजा कुशल मंगल से रह रही थी, अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करता था और बिना अस्त्र उठाए सभी पर विजय प्राप्त कर लेता था। ये था श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद। प्रहलाद के स्वभाव के कारण वह देवता और दानवों दोनों में प्रिय हो गया। वह प्रहलाद बड़ा हुआ तब उसका विवाह धरती नामक स्त्री से हुआ। इस प्रकार प्रहलाद की पत्नी का नाम धरती और जिससे उसके विरोचन नामक पुत्र प्राप्त हुआ। विरोचन नामक पुत्र का नाम बलि था जिसका मान भंग भगवान विष्णु के वामन अवतार लेकर किया गया। जिसका मान भंग भगवान विष्णु के वामन अवतार को लेकर किया गया। अपने दानवीर व्यवहार के कारण एक दिन इंद्र ने प्रहलाद से छल किया। उसने सुबह सुबह ब्राह्मण का भेष बनाकर प्रहलाद से उसका राज्य मांग लिया। इस कारण प्रहलाद के हाथों से संपूर्ण राज्य चला गया और इससे क्रुद्ध होकर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और बाद में प्रहलाद के पास पुनः उसका राज्य आ गया था। उसने अपने पुत्र विरोचन को राज्य का कार्यभार सौंप दिया और स्वयं मोक्ष प्राप्त करने चले गए। इस प्रकार प्रहलाद ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु की भक्ति, सदाचार, धर्म की स्थापना करने में बिताया। प्रहलाद के इसी व्यवहार के कारण ही वह दैत्य कुल में जन्म लेने के पश्चात भी भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भक्त बना, क्योंकि दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भगवान विष्णु की भक्ति की। यही प्रहलाद की सबसे बड़ी भक्ति थी, क्योंकि प्रहलाद अपने जीवन में ऐसा कोई क्षण, कोई पल नहीं था जब वो श्री हरि विष्णु को याद नहीं करते थे, श्री हरि विष्णु का नमन नहीं करते थे, उनका वंदन नहीं करते थे। क्योंकि अगर आपको भगवान की भक्ति करनी है तो प्रहलाद की कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया, उन्होंने धर्म का प्रचार किया, सबकी रक्षा की, सुरक्षा की, अपने राज्य के कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से
उन्होंने चलाया, क्योंकि श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्रहलाद पर हमेशा बना रहा। तो ये थी भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की कहानी, जो कि उनके जन्म से लेकर और उनके अंतिम समय तक की कहानी हमने आपको पहुंचाई, क्योंकि एक पौराणिक कहानी है। भेजिए सभी तक, सब भक्तों को ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। फिर आता हूं नई धार्मिक और पौराणिक कहानी के साथ। सभी भक्त प्रेम से बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महा